उत्तु प्रहलाद कहने लगे, पिताजी मुझे मत मारिए। लेकिन जनिका कहने लगी, भैया तू चिंता न कर, अभी प्रहलाद को मैं मारूंगी। मेरी माताओं, आज एक तिराई पर ईंधन कंडा एकत्रित किए हैं, पर जनिका प्रहलाद को गोदी में लेकर के बैठ गई। शीतला चीर को ओढ़ करके जब बैठी है तो आज हुआ क्या है, जो शीतला चीर भद्रकाली का दिया हुआ था, आज पवन देवता की ऐसी कृपा हुई है, वो चीर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर पहुंच गया। सिंधिका जल करके रात हो गई, बोल गोविंद भगवान की। प्रहलाद निकल के आए, पिताजी सीता राम बहन को हाथ धोए बैठे हो, अभी मान जाओ। आज तो हिरण्यकश्यप विचार कर रहा है, पर देखिए जो सिंधिका थी यही होलिका के नाम से विख्यात हुई है, जो फागुन में मनाते हैं। तो देखिए देवताओं ने प्रसन्न होकर के पुष्प और गुलाल की वर्षा की, पर राक्षसों ने ईंट पत्थर बरसाए। तो आज भी देखा, जब होली आती है तो जो देवता प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो गुलाल से होली खेलते हैं, पुष्पों से खेलते हैं, और राक्षस प्रवृत्ति की आज भी गांव की सारी नालियां साफ कर देते हैं। बोले गोविंद भगवान की। आज हुआ क्या है, अब तो हिरण्यकश्यप घबरा रहा है, मैं क्या करूं, सोच रहा है मैं क्या करूं। अब तो सोचा इसे जहर पिलवाऊंगा, कयादु से काये कयादु, अब ले तू इसका वध करेगी अपने हाथों से। मेरे सारी विफल हो गए साधन। पिया हाँ, मैं आदित्य जी का करवाए जा रहा। अरे कुछ नहीं, इसे जहर दे दे जहर। अब हमें जो बहुत बुरा लगता है, मैं किसम हाँ मैं किसम जन का बिगाड़ हो ते आओ। अरे मेरे दुश्मन का नाम नहीं छोड़ रहा है, मैं क्या करने के लिए जा रहा है, ये दुष्ट तो ले दे, तो ले दे, तुम्हें कहां को चलो, कया दो फांसी लगा दूंगा तुझे। पति देता है जहर दे इसे। लला हाँ स्वामी जी जहर ले आए, लो जहर ये। अरे दैया कैसे जहर पिलाए दे मैया। अरे प्रहलाद कहन लगे, मैया रो नहीं, हमें जहर दो। अरे दैया जी तो और जी डलवाओ जहर ले आए। मैया लला प्रहलाद हाँ बेटा हाँ हाँ रुपया। अरे मैया तुम रो नहीं, इधर दो हमें, जल्दी दो माँ। अरे लाओ लला किस्मती तुम मेरे। आज प्रहलाद ने हाथों से छीन लिया। अरे दैया तो स्वरूप, आज प्रहलाद ने जहर को पी लिया, नृत्य करने लगे। मैया तो पाप के समय नेगोर हो तुम होते। अरे लला मरो या वाला से कभी रो। आज प्रहलाद ने जहर पी लिया और नृत्य करने लगे।